Yeah, it's that Zet Supo. No, she my flow. Yeah, 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 yeah. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं टेक्निकल राम जी। और आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मीडियाटेक हीलियो P65 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने Realme 3i का वीडियो बनाया था स्पेसिफिकेशन का, और बिल्कुल वही निकला जो मैंने फ़ोन लॉन्च के पहले बनाया था। और मैं बोला था कि मीडियाटेक हीलियो P65 के ऊपर मैं डेडिकेटिंगली एक वीडियो बनाऊंगा, और मैं आज बना चुका हूं। फाइनली हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेक्निकल रामजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है मीडियाटेक हीलियो P65 जो है पहले लिखता है बिग परफॉर्मेंस, बिग कैमरा एंड ग्रेट गेमिंग। जी हाँ दोस्तों, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा इस मीडियाटेक के हीलियो P65 के न्यू प्रोसेसर जो 2019 में लॉन्च हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर जो है कैमरा बिग, यानी कि आप बहुत अच्छा कैमरा आपको मिलेगा ऑप्टिमाइज, जो ब्रांड के तरफ से दिया जाएगा। यानी कि कोई जो ब्रांड जो वीवो या रियलमी जो लाया अभी तक मीडियाटेक हीलियो P65, वो किस तरह का कैमरा देते हैं उनको ऊपर है, लेकिन हाँ कैमरा आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और प्लस इसको गेमिंग के लिए भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। कॉर्टेक्स जो है ARM के काफ़ी सही दिया गया है, एंड जिसका कोर सा काफ़ी सही है, तो आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलता है और बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। चलिए इस प्रोसेसर की तरफ बढ़ते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं इस प्रोसेसर में और क्या क्या। जी हाँ दोस्तों, तो मीडियाटेक हीलियो P65 जो है आता है दो ARM के ARM कॉर्टेक्स A75 GPU के साथ, जो 2 GHz पर स्पीड है। और जी हाँ दोस्तों, 6 आपको कॉर्टेक्स A55 में मिलते हैं, जो एक सिंगल कोर ऑक्टा कोर क्लस्टर है। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन जो है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा फ़ोन बोल रहा हूँ, प्रोसेसर जो है दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। और इसमें इनबिल्ट VOW यानी कि वॉइस ऑन वेकअप का सिस्टम मिलता है, ये कैपेबिलिटी सपोर्ट करता है। यानी कि जो आप गूगल असिस्टेंट, सीरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये सब फ़ोन का इनबिल्ट नहीं होता है, प्रोसेसर का इनबिल्ट नहीं होता, सॉफ्टवेयर द्वारा दिया जाता है कि गूगल असिस्टेंट चले फ़ोन में अच्छे से एंड्रॉयड में, बट इसके प्रोसेसर में ही इनबिल्ट होगा। तो यानी कि जो ये डबल प्रेशर डालेगा, और जो भी आप ओके गूगल या कुछ भी आप बोलते हो, तो बहुत ही अच्छे से यानी बहुत ही मस्त तरीके से जो है ये पकड़ लेगा। और आपका जो भी मतलब असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट, चाहे सीरी हो, चाहे गूगल या फिर बिक्स भी है, वो बहुत अच्छा काम करेगा इसके इनबिल्ट फीचर के चलते। अब देखिए, सैमसंग तो शायद लाए या ना लाए मुझे नहीं पता, क्योंकि वो इंडिया में एक्सिनोस प्रोसेसर छोड़कर कुछ दूसरा लाते नहीं है, बट ज़्यादातर होप रियलमी, रेडमी और इन दोनों से ही ज़्यादातर उम्मीद है। और वीवो भी S1 लेकर आया, तो भाई काफ़ी अच्छी बात है, वीवो ने S1 को इस प्रोसेसर के साथ लाया है। जो इनका AI है इस बार का, ये 2 गुना ज़्यादा फास्टर है पिछले जितने भी मीडियाटेक के फ़ोन आए जो AI के साथ आए, जैसे कि मीडियाटेक हीलियो P60, मीडियाटेक हीलियो P30 और मतलब P, बहुत सारे प्रोसेसर आए मीडियाटेक के। और अच्छे वाले प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ, पहले एकदम पहले घटिया वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें AI भी नहीं होता था। तो इसमें जो है काफ़ी अच्छा AI देखने को मिलता है, 30% फास्टर आपको देखने को मिलेगा। और इसके AI में जो है सीन डिटेक्शन और फोटो एल्बम, गूगल लेंस वगैरह सब कुछ सपोर्ट करता है। बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया गया इसके AI को भी, कि मतलब काफ़ी फोटोज़ के जो कैमरा होगा ना, काफ़ी बढ़िया निकल आएगा। और फोटोज़ में निराश आपको बिल्कुल भी नहीं करेगा मीडियाटेक हीलियो P65। जी हाँ दोस्तों, आपको कैमरा जो इसमें 48 MP अप टू सपोर्टेड है। तो यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों, अगर ब्रांड चाहे तो एक बार में 16+16 MP का दो कैमरा दे सकती है पीछे, ये सपोर्ट करता है, या फिर 48 MP का कैमरा सपोर्ट करता है प्लस 4 सेल लेंसेज के साथ भी, 4 सेल कैमराज के साथ भी दोस्तों। और इसमें वाइड एंगल और टेलीफोटो लेंस भी सपोर्टेड है, तो अगर कोई कैमरा देना चाहता है वाइड एंगल के लिए तो वो भी दे सकता है। जैसे कि वीवो S1 आप देख सकते हैं 3 कैमरा के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों, ये जो है बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर निकल के आता है, और इसका जो मैं अभी थोड़ा सा आपके सामने हाईलाइट दे रहा हूँ। तो दोस्तों, स्पेसिफिकेशन में देखा जाए प्रोसेसर का, तो GPU इसमें ARM Cortex A55 के 6 हैं कॉर्टेक्स है, और आपको AM कॉर्टेक्स के A75 के 2 कॉर्टेक्स मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है इसका 2 GHz पे क्लॉक्ड है, और इसके 8 कोर्स है यानी कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 64 बिट का दोस्तों ये प्रोसेसर है, और हेट्रोजीनियस मल्टी प्रोसेसिंग भी ये प्रोसेसर है। यहाँ पर ये जो लिखा गया मैं वही बता रहा हूँ, ये मेमोरी अप टू LPDDR3 और LPDDR4X तक को सपोर्ट करता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो मेमोरी साइज़ है वो मेमोरी लाइक मेमोरी का जो फ्रीक्वेंसी है वो LPDDR3 के लिए 933 MHz अप टू रहेगा, और LPDDR4 के लिए 1800 MHz तक रहेगा। जी दोस्तों, ये अप टू ये लास्ट है। मैक्स साइज़ जो है ये 4 GB RAM और 8 GB RAM सपोर्ट करता है। स्टोरेज टाइप जो है ये EMMC 5.1 को सपोर्ट करेगा, यानी कि इसका जो स्टोरेज का जो ये रहेगा, यानी कि जो भी स्टोरेज आपको मिलता है 16 GB 32 GB 128 GB, काफ़ी अच्छा और फास्ट होने वाला है दोस्तों। अगर सेलुलर की बात की जाए तो ये डुअल वोल्टेज सपोर्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है इसमें डुअल
वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा। और इसमें एक और नया फीचर बता रहा हूँ, जो मतलब अगर गेम वेम खेलते हैं तो इसमें जो है आप एक बार में दोनों नेटवर्क ऑन करके, यानी कि वाईफाई और अपना नेट दोनों को एक बार एनेबल करके आप जो चाहें वो कर सकते हैं, यानी कि स्पीड को डबल ट्रिपल बढ़ा देता है दोस्तों। जी हाँ, LTE कैटेगरी की बात की जाए, वोल्टी कैटेगरी की बात की जाए, तो इसमें कैट 4, कैट 7 DL और कैट 13 UL का भी सपोर्ट मिलता है। यानी कि नेटवर्क जो है कोई भी आपको कंपाई देखने को नहीं मिलेगा, लो से लो नेटवर्क एरिया में भी ये काफ़ी सही काम करेगा। वाईफाई में आपको लेटेस्ट वर्जन का सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ में भी आपको बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन का सपोर्ट मिलता है, और FM रेडियो भी है, ऐसा बात नहीं कि हटा दिया गया है। अगर GPU की बात की जाए, यानी कि ग्राफिक्स की बात की जाए, तो यहाँ पर जो है आपको ARM माली G52 का 2EEMC2 GPU देखने को मिलेगा, जो मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ इस GPU को, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइज्ड GPU है, और यहाँ पर जो आपको गेमिंग बिल्कुल कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगा। इस GPU का जो है मैक्स आपको फ्रीक्वेंसी मिलता है 820 MHz, जो एक काफ़ी अच्छे खासे गेम खेलने के लिए काफ़ी सही है। मैक्स डिस्प्ले का जो रिजोल्यूशन है आपको अप टू सपोर्टेड है 2520 पिक्सल्स × 1080 पिक्सल्स। जी हाँ दोस्तों, वीडियो इनकोडिंग जो आप 8.264 और 8.265 या /HEVC तक को सपोर्ट करता है। वीडियो इनकोडिंग में जो आप 2K 30fps तक का वीडियो निकाल सकते हैं, और 1080p @60fps तक का वीडियो आप इसमें निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी बताया तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, चाहे जो भी फ़ोन में है, चाहे वीवो S1 हो या Realme 3i हो। MediaTek जो है दोस्तों कोर पायलट, न्यूरो पायलट और पंप एक्सप्रेस और टीनी सेंसर हब के साथ आता है MediaTek Helio P65 दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया फ़ोन होने वाला है, जहाँ तक मुझे, माफ़ करिएगा बार बार मुझसे फ़ोन निकलता है। बहुत अच्छा प्रोसेसर है, बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेसर जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा, अच्छे फ़ोन्स में और भी आने वाले हैं, तो उसमें जो है काफ़ी अच्छे रहेंगे, ऑप्टिमाइज रहेगा। वीवो S1 और Realme 3i भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा फ़ोन है दोनों, तो कोई भी दोनों में से लीजिएगा तो आपको निराश नहीं होगा, ना ही कैमरे में, ना ही गेमिंग में, ना ही कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा सा लगता है ज़्यादा लंबा हो गया, बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने इतना देर तक देख लिया तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, दिल से बोल रहा हूँ मैं शुक्रिया, सच्ची वो मैं मीन करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करिएगा जो भी दिल में बात है वो बता सकते हैं। और आज के लिए आपको कितने अच्छे प्यार के दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और इसी तरह का इनक्रेडिबल सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि मुझे और भी आगे बढ़ना है सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के सहारे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय।